वेलकम टू कुकिंग विद सौरभ। आज मैं बनाने जा रही हूँ रबड़ी वाला फलूदा। ये बहुत आसान रेसिपी है। मैंने बाजार का फलूदा लिया है और वो मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ। ये मैंने डिब्बा लिया है रबड़ी फलूदा। ये बहुत अच्छा बनता है, आप भी इसको घर में जरूर ट्राई करें। ये मैंने 2 किलो दूध लिया है और इसको पकते हुए 15 मिनट हो गए हैं। ये 1.5 किलो दूध रह गया। जो इसकी मलाई है साथ लग रही है वो हम उतार के इसके अंदर डाल देंगे। अब मैं इसके अंदर 1 कप चीनी डाल रही हूँ। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये जो मैंने पैकेट लिया है रबड़ी फलूदे का, ये हम इसके अंदर डालते जाएंगे और इसको हिलाते जाएंगे चम्मच को। इसके अंदर सब कुछ है। इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसको हमने 15 मिनट और पकाना है। जी व्यूअर्स, जी देखिए फलूदे को पकते हुए 15 मिनट हो गए हैं। अब मैं फ्लेम को ऑफ करने लगी हूँ। इसको हम अच्छी तरह से अब ठंडा करेंगे। ठंडा करके मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स, ये देखिए ये हमारा रबड़ी वाला दूध तैयार हो गया है। ये देखिए कितना अच्छा तैयार हुआ है। ये देखें, इसके अंदर मैंने पिस्ते और बादाम और डाले थे। ये देखिए बहुत अच्छा बना है, आप घर में इसको ज़रूर ट्राई करें। अब मैं इसको ठंडा करने लगी हूँ। इसके अंदर बर्फ़ डाल देनी है। इसको अच्छी तरह से ठंडा करके पिए तो बहुत मज़ा आएगा आपको। घर में आप ज़रूर ट्राई करें, ज़रूर बनाएं, ये बहुत अच्छा बनता है। इस रेसिपी को आप घर में ज़रूर बनाएं, बहुत अच्छी रेसिपी बनेगी। और मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। ओके, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।